नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या परजीवी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो कौन 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 से परजीवी से कौन सी बीमारी फैलती है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो जहां जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हों, चाहे वो एग्जाम हो एमपीपीएससी का, चाहे वो एग्जाम हो आपका व्यापम या पीबी का, चाहे वो एग्जाम हो आपका एसएससी का, कोई भी एग्जाम जहां पे आपके सिलेबस में जनरल बायोलॉजी होता है, ये जो मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूं, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद में अभी मैं प्रोटोजोआ बना रहा हूं, फिर मैं बैक्टीरिया और वायरस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि बैक्टीरिया और वायरस से भी कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो दोस्तों ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा, और 5-7 मिनट के वीडियो में आपका एक टॉपिक, और आप ही मान के चले कि कम से कम एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है पाइरिया। तो पाइरिया जो है, इसमें जो प्रभावित अंग है वो है दांतों की जड़ें तथा मसूड़े। और दांतों दांतों मतलब मेन जो प्रॉब्लम होती है वो मसूड़ों में और दांतों की जड़ों में होती है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं मसूड़ों में सूजन, और उनसे खून बहने लगता है और मवाद निकलने लगती है। इसके अलावा मुंह से गंदी बास भी आने लगती है, क्योंकि अब मवाद निकलेगा तो मुंह से बास तो आएगी ही। तो जिन लोगों में बीमारी होती है उनके मुंह से अच्छी खासी बदबू आती है। और जो परजीवी है जिसके कारण ये बीमारी होती है वो है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। एंट अमीबा जिंजिवेलिस। तो आपको सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन देना है वो देना है कि पाइरिया जो है वो किस परजीवी के कारण या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको इस पॉइंट पे देना। इसके अलावा प्रभावित अंग पूछा जा सकता है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इसके लक्षण आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका दस्त। दस्त जो बड़ी आंत के कारण होता है, मतलब सॉरी बड़ी आंत जिससे प्रभावित होती है, और इसमें होता है बड़ी आंत में सूजन होती है, दर्द होता है और बार बार दस्त होने लगते हैं। और जो परजीवी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है वो है ट्राइकोमोनस होमिनिस। ट्राइकोमोनस होमिनिस। नेक्स्ट है अमीबियसिस। अमीबियसिस ये बड़ी आंत में होता है, जो कॉलोन होती है आपकी, और बड़ी आंत में इसमें कॉलोन में सूजन हो जाती है और दस्त के साथ श्लेष्म आने लगता है। और जो परजीवी है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण ये बीमारी होती है, ये रोग होता है। नेक्स्ट है घातक अतिसार, जिसको पेचिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आंत का जो अगला भाग है वो प्रभावित होता है इससे। इसमें लक्षण होते हैं दस्त, सिरदर्द और कभी कभी पीलिया रोग का जनक। अगर इसको सही टाइम पे क्योर नहीं किया जाए तो कभी कभी ये पीलिया भी बन जाता है। और जियार्डिया लैम्बिलिया इसका परजीवी होता है जिसके कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट है सुजाक। सुजाक जो होता है पुरुषों में, और इसी को बोलते हैं श्वेत प्रदर, जो स्त्रियों में मतलब स्त्रियों में श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं और पुरुषों में सुजाक के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें पुरुषों के जो मूत्र मार्ग हैं और स्त्रियों की जो योनि है वो प्रभावित होती हैं, और इसके लक्षण होते हैं मूत्र त्याग में जलन व दर्द, स्त्रियों में श्वेत द्रव का निकलना और दर्द। और जो इसका वायरस होता है वो सॉरी वायरस नहीं बोलना, प्रोटोजोआ जो होता है वो होता है ट्राइकोमोनस बेजाइनेलिस। ट्राइकोमोनस बेजाइनेलिस। आप इनमें कंफ्यूज ना हो, ये दस्त है तो इसका जो परजीवी है वो है ट्राइकोमोनस होमिनिस, और ये है बेजाइनेलिस, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो आप। नेक्स्ट है हमारा दस्त। दस्त जो जो जिससे छोटी आंत प्रभावित होती है, यहाँ पे मैं बड़ी आंत की बात कर रहा था, और इसमें पेट में ऐंठन होती है और दस्त होती है। यहाँ पे बड़ी आंत में सूजन व दर्द होता है और बार बार दस्त होता है। तो यहाँ पे दस्त बार बार होता है और पीठ में इसके साथ साथ ऐंठन रहती है। तो इससे ये जो रोग होता है जिस परजीवी के कारण होता है वो है आइसोस्पेरा होमिनिस। आइसोस्पेरा होमिनिस के कारण ये होता है। नेक्स्ट है दस्त जो छोटी आंत प्रभावित करता है, पेट में ऐंठन तथा दस्त, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है हमारा कालाजार या कलाजार। तो इससे जो प्रभावित है वो ब्लड प्रभावित होता है, लसीका प्रभावित होती है, प्लीहा और अस्थि मज्जा, इतने आपके अंग हैं जो प्रभावित इससे होते हैं। और इसमें ज्वर होता है, एनीमिया होता है, प्लीहा और यकृत में सूजन हो जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और लीशमनिया एक परजीवी होता है जिसके कारण कालाजार
नामक रोग होता है। नेक्स्ट है निद्रा। निद्रा जो रोग है इसमें रुधिर मतलब ब्लड और सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये तीनों प्रभावित इससे होते हैं। और इसमें बहुत तेज बुखार आता है, बेहोशी हो जाती है और लंबी नींद इसमें आती है रोगी को। और जो परजीवी है वो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा सोमा गैम्बियंस। और इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मलेरिया। तो मलेरिया में जो लाल रुधिराणु होते हैं, रेड आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, और प्लीहा और यकृत, ये तीनों प्रभावित होते हैं। इसमें भी बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है और इसके अलावा कमर में इसमें दर्द होता है। और प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये, या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, आप ये मान के चले कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जो भी बीमारियां हैं उनसे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर वहां पे एग्जाम में मिलेंगे। अब वो चाहे प्रोटोजोआ के कारण रोग हो, अब वो चाहे वायरस के कारण रोग हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं @NSEducation से आपको फॉलो करना है टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद। और एनएस एजुकेशन के नाम से ही फेसबुक पे हमारा पेज है, एनएस एजुकेशन के नाम से ही हमारा ग्रुप है। थैंक यू वेरी मच।